आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, फटासा आ रहा होगा, एकदम बिगड़ा हुआ सा। ये बहुत दिन से ये प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत परेशान हो गया हूँ। यहाँ के स्थानीय डॉक्टर, अस्पताल वगैरह सब में जाके चेकअप करवा लिया। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन बहुत डर सा लग रहा है। कोई कैंसर का भी जिक्र कर रहे हैं, ये शंका बता रहे हैं। लेकिन अच्छी अस्पताल में जाके चेकअप करना बाकी है, लेकिन डॉक्टरों का सलाह ये है कि आप रेस्ट करो, ये आवाज को रेस्ट दो, एक दो दिन मत बोलो, किसी से बात मत करो। एक बात समझ में आ गई कि पहले हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, ग्रंथों में, अथवा इसका एक विधान है कि मौन व्रत रखने का। हमको लगता था कि मौन व्रत रखने से क्या होता है, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये मौन व्रत से फायदा क्या होता है। यही सबसे बड़ा फायदा है, ये अभी समझ में आया और आपको भी समझ में आ गया होगा। हर चीज को रेस्ट की जरूरत होती है। ये शरीर जो है, ये नश्वर शरीर है, ये पैदा होता है, बढ़ता है, फैलता है और एक दिन नाश हो जाता है। हम ज्यादा बोलते हैं, मैं तो देखो सिंगर भी हूं, कहीं गाता भी था, बहुत चिंता हो रही है। एक कथाकार हूं, एक दिन में 8 से 9 घंटे तक रेगुलर कथा करता हूं। कथा ही नहीं, कथा के बीच में जोर से चिल्लाना भी होता है, भजन गाना पड़ता है, संगीत में कथा होता है। कहीं ऊंचे स्वर से चिल्लाना पड़ेगा, कहीं धीमे से बोलना पड़ेगा। अगर कहीं किसी दिन ज्यादा भीड़ हो गई तो क्या है, माइक वगैरह जो है सिस्टम भी काम नहीं करता, तो जोर से बोलना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है। अब मेरा तो पेशा है बोल के, ऐसे प्रवचन करके खाने का। अगर आवाज ऐसा हो गया तो मैं क्या करके खाऊंगा, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। तो देखिए, ये मौन व्रत इसलिए, कम से कम हफ्ते में एक दिन मौन रहना, किसी से मत बोलना, तो ये गले के लिए अच्छा होता है, पहला इसका फायदा। इसका और भी बहुत कुछ है, लड़ाई झगड़े तनाव से दूर होना, ये सब काम तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा ये आवाज। बहुत ज्यादा बोलते हैं हम, गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, तो ये असर हो जाता है। इसलिए मौन व्रत रखने की ये बात कही है। ये कोई रूढ़ी बात नहीं, अंधविश्वास नहीं है, ये वैज्ञानिक बात है, ये साइंटिफिक रीजन है, इतना जानना चाहिए। इसलिए वैदिक सनातन धर्मों को प्यार करो, उसको अध्ययन करो, मनन करो, ये सब साइंटिफिक रीजनों से भरा हुआ है। आइए, अब ये गला ठीक हो गया तो अगले वीडियो में, जब लोग मर जाते हैं, मृत्यु पर्यंत का जो काम होता है, जो क्रिया कर्म अंत्य कर्म पद्धति होता है, इसके विषय में वीडियो बनाने की इच्छा रख रहा हूं। आपको चाहिए तो जुड़े रहिएगा, नहीं तो कमेंट भी कर दीजिएगा, आपको मालूम होगा कि आपको चाहिए ऐसी बात। लोग और कुछ नहीं करेंगे तो, लेकिन जब माँ बाप मर जाए तो अपने लिए ना सही, कोई नास्तिक भी हो, लेकिन दूसरों के लिए, दिखावे के लिए भी करेगा जरूर। तो क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, लोकाचार क्या है, क्या फिट होगा शास्त्र से, शास्त्रोक्त तो बात क्या है और अच्छा क्या है, ये जानना जरूरी होगा। ये वीडियो बनाएंगे तो उन्हीं वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।